हेलो चिल्ड्रन, पिछले वीडियो में हमने क्लास 3 में पेज नंबर 1 और 2 इंग्लिश टेक्स्ट बुक में पढ़ा था। मैंने उसमें आपको एक्सरसाइजेस करने बताए थे। अब पेज नंबर 3 में आज हम लोग देखते हैं कि क्या करना है, मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि आई नो द पार्ट्स ऑफ अ हाउस, है ना। जैसे किसी घर के जो पार्ट्स होते हैं वो हम लोग जानते हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए बना हुआ है, एक हाउस है बड़ा सा, और आपको कहा जा रहा है यहाँ पे कि एनसर्कल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ हाउस। मतलब यहाँ एक घर बना हुआ है जिसके अलग अलग पार्ट्स हैं और आपको सभी अलग अलग पार्ट्स को घेरा लगाना है, ठीक है, एनसर्कल करना है। वो पार्ट्स क्या हैं? लाइक डोर्स, आप जानते हो डोर मतलब दरवाज़ा, विंडो खिड़की, रूफ यानी कि छत, फिर आइए गेट जो मेन द्वार होता है, स्टेप्स मतलब सीढ़ियाँ, फ्लोर यानी ज़मीन और वॉल एट्सेट्रा मतलब दीवारें। तो यहाँ भी इस मकान में आप देखिए सब कुछ है, ये डोर है, ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पे मेन गेट है। तो आपको कहा जा रहा है यही इसके अलग अलग पार्ट्स को घेरा लगाइए। तो सबसे पहले हम लोग डोर चलते हैं, देखते हैं ये डोर है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे चारों तरफ से, डोर को केवल सीढ़ी को नहीं, ये यहाँ से शुरू करेंगे, जितना ग्रीन पोर्शन है ये डोर है इसको घेर देंगे, ठीक है। अब विंडो, विंडो देखिए जहाँ जहाँ खिड़कियाँ आपको दिख रही हैं उसे घेर दीजिए। फिर रूफ यानी छत, जहाँ जहाँ छत है उसे घेरना है। गेट, ये मेन गेट है इसको घेरना है। स्टेप्स मतलब सीढ़ियाँ, ये जो ये लाल वाली सीढ़ियाँ हैं आप अपने बुक में देखोगे क्लियर दिखेगा, तो उसे घेर दीजिएगा। फ्लोर मतलब ज़मीन, ये जो ज़मीन है जितना पोर्शन नीचे ज़मीन का है, और वॉल मतलब ये दीवारें। इस तरह से इसके अलग अलग पार्ट्स जो हैं हाउस के उन्हें घेरना है। तो इस एक्सरसाइज में तो इतना ही करना है। अब हम लोग नीचे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फ्लावर पॉट है और इसमें ढेर सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। यहाँ आपको क्या कह रहा है करने, आई नो द नेम ऑफ फ्लावर्स, यानी इन सारे फ्लावर्स के नाम हम लोग जानते हैं। तो मैच द फ्लावर्स यू हैव इन द वास, इस फ्लावर वास में हम लोग जितने भी फ्लावर हैं उसके नाम को मैच करना है। जैसे फर्स्ट नेम देखिए यहाँ पे रोज़ लिखा हुआ है, अब आप ढूंढिए कि रोज़ कहाँ है, रोज़ यानी कि गुलाब। आप देखिए यहाँ से मैंने एक बना ही दिया, एक कैसा भी ये रोज़ है, तो यहाँ ला के इसको हम लोग मिलाएंगे, स्केल से सीधी लकीर खींचिएगा। इसी तरह से फिर अगला है पैंसी, और पैंसी जो है वो ये है इंग्लिश नेम है ये सब, ये पर्पल फूल जो है वो है। सनफ्लावर आप अच्छे से पहचान रहे हो, सूर्यमुखी का फूल वो आपको यहाँ दिख रहा है। जैस्मिन यानी चमेली, इसको इंग्लिश में जैस्मिन बोलते हैं, वो यहाँ पे है। लोटस यानी कि कमल, आप देखो यहाँ पे है। और लास्ट है मैरीगोल्ड, जिसको गेंदे का फूल बोलते हैं, वो यहाँ। इस तरह से आप इसको मैच कर दोगे, ये पेज नंबर 3 की एक्सरसाइज हो गए। अब आपको देखिए कि यहाँ पेज नंबर 4 में देखिए आपको जो करने कहा गया है, आई नो द नेम ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नाम पता है, तो करना क्या है, यहाँ पे देखिए दो बास्केट्स बने हुए हैं, ठीक है, यानी जो झोले बने हुए हैं। पुट द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द करेक्ट बास्केट, वो कह रहा है कि एक फ्रूट का, देखिए यहाँ पे फ्रूट लिखा है रेड कलर से, तो एक फ्रूट का ये बास्केट है, और यहाँ रेड कलर से वेजिटेबल लिखा है तो ये वेजिटेबल का बास्केट है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारे नाम भी दिए हुए, देखिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मिक्स करके, इनमें से आपको छांट छांट के जो फ्रूट है उसके नाम इस पे, आपको अपनी मर्जी से नहीं लिखना है। कुछ बच्चे अपनी मर्जी से इस पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लिख देते हैं, वो नहीं करना है बेटा। आपको जो यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं ना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के, उसी में से छांट के चुन के यहाँ लिखना है। इसमें फ्रूट्स लिख रहा है और इसमें वेजिटेबल्स का नाम लिखना है, कोमा कोमा करके आप लिखते जाएंगे। जैसे आप फर्स्ट पढ़िए तो ये है टोमेटो, अब आप ही बताओ टोमेटो किस बास्केट में जाएगा। तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि टोमेटो इस बास्केट में आएगा, क्योंकि यही है वेजिटेबल, देखिए वेजिटेबल्स का बास्केट और टोमेटो वेजिटेबल है। दूसरा हम देखते हैं क्या है, पियर, पियर एक फल है, फ्रूट है, तो वो पियर इसमें आएगा। फिर अगला देखिए पोटैटो, वो इसमें आएगा। तो इस तरह हमने कॉमा लगाया, एक वर्ड के बाद हम कॉमा डालेंगे और फिर दूसरा यहाँ लिखेंगे। इस तरह बास्केट में आप पढ़ के लिखते जाओगे। फिर है ग्रेप्स, पी, पम्पकिन, एप्पल, नीचे आइए कुकुम्बर, लेमन, ब्रिंजर, बनाना, मैंगो,
कैबेज एंड ऑरेंज। इस तरह ये वेजिटेबल और फ्रूट्स को आप बांट दोगे। नेक्स्ट देखिए, नीचे आते हैं हम लोग, क्या करना है यहाँ पे देखिए, यहाँ ब्लू कलर से देखिए क्या लिख रहा है करने। आई नो द नेम ऑफ द थिंग्स विच आई टेक टू स्कूल। हम वो उन चीज़ों के नाम भी आपको पता है जो लेकर हम स्कूल जाते हैं, है ना। तो ऐसी वस्तुओं के नाम ही आपको यहाँ पे लिख के एक सेंटेंस देखिए आपको बना दिया है, लिख रहा है राइट द नेम ऑफ द थिंग्स, ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए यू टेक टू स्कूल शोन इन द एग्जाम्पल, एज शोन इन द एग्जाम्पल। तो जो वस्तुएं लेकर आप स्कूल जाते हो, कुछ भी लेके घर का तो उठा के हम लोग जाते नहीं हैं, हम लोग अपना स्कूल बैग लेके जाते हैं। स्कूल बैग में भी कुछ ऐसी वस्तुएं रखते हैं जो स्कूल में काम आए। तो जिन वस्तुओं को लेके हम अपने बैग में स्कूल जाते हैं उनके बारे में आपको एक एक सेंटेंस लिखना है। जैसे एक सेंटेंस आपके लिए यहाँ बनाया दिया गया है, आई टेक माई नोटबुक टू स्कूल, और फुल स्टॉप देना मत भूलिएगा। मैं बच्चों से हर क्लास में ये बात बोलती हूँ, जब भी हम इंग्लिश के सेंटेंस को लिखें अंत में एक फुल स्टॉप जरूर डालें, इसके बगैर वो अधूरा है। जैसे मैंने भी देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप डाला हुआ है। तो आई टेक माई नोटबुक टू स्कूल मतलब मैं अपना नोटबुक मतलब कॉपी, मैं अपनी कॉपी या नोटबुक लेकर के स्कूल जाता हूँ जिसमें नोट करते हैं कुछ। इसी तरह से आपको जो यहाँ 3 lines दिए हुए हैं उस पर आपको भी और 3 lines जोड़ने हैं कि आप और क्या क्या लेके जाते हो। एक मैंने भी बना दिया देखिए, आई टेक माई टेक्स्ट बुक टू स्कूल, यहाँ नोटबुक दिया हुआ था यानी कॉपी के बारे में दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक मतलब जो बुक हम लोग पढ़ते हैं, ये जो बुक आप जिसे पढ़ रहे हो, तो टेक्स्ट बुक लेके भी स्कूल जाते हो। अब नंबर 3 and 4 जो है वो आप बना लोगे इसी तरह से, सिर्फ टेक्स्ट बुक की जगह या ये नोटबुक की जगह आप दूसरी वस्तु का नाम लिखोगे, पेंसिल लिख सकते हो, इरेजर लिख सकते हो, या फिर आप क्या ले जाते हो, पेंसिल बॉक्स ले जाते हो, शार्पनर ले जाते हो, किसी भी चीज़ का नाम, लेकिन 2 lines और आपको 2 sentences जोड़ने हैं इसमें, और अंत में जहाँ सेंटेंस ख़त्म होगा वहाँ फुल स्टॉप जरूर डालेंगे। ओके, इस तरह ये पेज नंबर 1, 2, 3, 4 सारे एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे। ओके।